प्रथम तहलका न्यूज। देश में कोरोना वायरस को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी सीएम और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालातों पर चर्चा की। वहीं इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने सभी राज्यों को मिलकर कोरोना पर नियंत्रण के लिए गंभीरता से काम करने को कहा। पैरामेडिक्स को कैसे इमरजेंसी और क्विक रिस्पांस के तौर पर लिया जाए, इस पर चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टेस्ट लैब की संख्या बढ़ाए जाने पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में उठाए गए कई कदमों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। सरकार कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए पूरी तरह से सतर्क है। जो आज की कंडीशन है उसके ऊपर चर्चा की गई और कैसे कोविड-19 से मिलकर देश लड़े और गंभीरता के साथ एक एक एजेंसी अपनी जिम्मेवारी निभाए, उसके ऊपर हर प्रदेश ने अपने करंट पोजीशन को शेयर किया। किसी प्रकार की भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की होल्डिंग ना हो। रिटायर्ड जो पैरामेडिक्स हैं, चाहे वो आर्मी के हो, हेल्थ विभाग के हो, उनको कैसे इमरजेंसी रिस्पांस टीम के तौर पर, बैकअप के तौर पर लिया जाए, उसके ऊपर चर्चा करी गई है। प्रदेश सरकार की भी सुबह एक बैठक हुई थी और उसके अंदर कई अहम निर्णय लिए गए कि प्रदेश के अंदर जो टेस्टिंग लैब्स है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को कैसे इमरजेंसी के अंदर उपयोग में लिया जाएगा, इक्विप किया जाएगा, प्रदेश के अंदर क्वारंटाइन के हॉस्पिटल से अलग फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाए। इन तमाम विषयों पर सरकार गंभीर है और हम प्रिपेयर्ड हैं कि वर्स के सिनेरियो के अंदर भी हमें अगर बेसिक नेसेसिटी के तौर पर कोई चीज़ प्रदेश के अंदर पहुंचानी पड़े तो उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी टाइम टू टाइम हम उपलब्ध करा पाए। और कैसे कोविड-19 से मिलकर देश लड़े और गंभीरता के साथ एक एक एजेंसी अपनी जिम्मेवारी निभाए, उसके ऊपर हर प्रदेश ने अपने करंट पोजीशन को शेयर किया। किसी प्रकार की भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की होल्डिंग ना हो। रिटायर्ड जो पैरामेडिक्स हैं, चाहे वो आर्मी के हो, हेल्थ विभाग के हो, उनको कैसे इमरजेंसी रिस्पांस टीम के तौर पर, बैकअप के तौर पर लिया जाए, उसके ऊपर चर्चा करी गई है। प्रदेश सरकार की भी सुबह एक बैठक हुई थी और उसके अंदर कई अहम निर्णय लिए गए कि प्रदेश के अंदर जो टेस्टिंग लैब्स है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को कैसे इमरजेंसी के अंदर उपयोग में लिया जाएगा, इक्विप किया जाएगा, प्रदेश के अंदर क्वारंटाइन के हॉस्पिटल से अलग फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाए। इन तमाम विषयों पर सरकार गंभीर है और हम प्रिपेयर्ड हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी हमें अगर बेसिक नेसेसिटी के तौर पर कोई चीज़ प्रदेश के अंदर पहुंचानी पड़े तो उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी टाइम टू टाइम हम उपलब्ध करा पाए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ प्रदेशों को कहा? जो बात कल उन्होंने देश के आगे रखी उसी को ही ग्लोबल जो आज स्थिति है उसके साथ साझा किया। किस तरीके से अमेरिका के अंदर 20 दिनों में 1 से लेकर 14,000 केसेस पहुंचे, ये हमारी आपसी कोऑर्डिनेशन का नतीजा है कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हम इस स्थिति को इतने फॉरेन ट्रैवल के बावजूद भी रोक पाए। मगर आज गंभीरता यही है कि इसके अंदर सोसाइटी
अपना योगदान दें। मैं तो आपके माध्यम से भी एक एक नागरिक से ये आग्रह करता हूँ कि अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें, मिनिमम ह्यूमन टच रखने का काम करें और पब्लिक प्लेसेस पे जाने का ना काम। वहीं बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना को लेकर पीएम ने सबको सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। सारे जो फोर्स है उसको अलर्ट रहने के लिए कहा है उन्होंने, और क्या क्या इंतजाम करने चाहिए वो स्टेटों ने किए हैं इंतजाम, और सभी प्रदेशों ने वो सेटिस्फाइड भी हैं कि अच्छे इंतजाम किए हैं, लेकिन बाकी इंतजामों के लिए भी तैयार रहना। चाइना में फैसला किया है कि सारे प्रदेश में धारा 144 हमने लगा दी है, और 20 से ज़्यादा लोग कहीं पर भी इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, चाहे वो धार्मिक हो, पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, खेल का हो, कोई भी इवेंट हो, 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। इसमें मैं ये विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी हिदायत है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, लोगों को बचना चाहिए, लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए, केवल बहुत आवश्यक कार्यों के लिए उनको बाहर जाना चाहिए, किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करना चाहिए, और तरह तरह की अफवाहें जो चल रही हैं उसमें भी लोगों को नहीं आना चाहिए। हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रोजाना रिलीज कर रहे हैं, उसी पर भरोसा करना चाहिए, और जब तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ना आ जाए तब तक इंतजार करना चाहिए। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।